तो दोस्तों स्वागत है आपका विंग्स उड़ान पे। मेरा नाम है पंकिल कपूर। गाइस आज हम कंप्यूटर सेक्शन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो कि JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रिगार्ड में है। इसके ऑलरेडी हमने 8 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, वो प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, आप वहाँ जाके उन्हें जरूर देखिएगा, जहाँ हमने नंबर सिस्टम से पढ़ाई की थी, शुरुआत की थी। फिर हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री जनरेशन के बारे में पढ़ा और जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स है वो पढ़ा। कुछ बच्चों ने पूछा था कि नंबर सिस्टम जो है वो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने बोला और वापस मैं बोल रहा हूँ, नंबर सिस्टम इज़ अ फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरमोस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसका, कंप्यूटर्स का। अब बिकॉज जब भी किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग में सवाल आते हैं या कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है तो नंबर सिस्टम से सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, और बिकॉज हमें पता है कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम में वर्क करता है, और अगर हमने उसका बेसिक्स ही नहीं पढ़े, नंबर सिस्टम भी नहीं पढ़े, तो हमें कैसे पता चलेगा आगे कंप्यूटर ने क्या क्या करना है, कैसे जो हम चीज़ उस पर टाइप कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे नंबर सिस्टम में, चाहे हम उस पर करेक्टर्स टाइप कर रहे हैं, अपना नाम टाइप कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने नंबर सिस्टम में पढ़ी, फिर हमने जनरेशन भी पढ़ी एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ी। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मैं आपको बता दूं ये एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, आपको कोई एक डिवाइस दे दी जाएगी और डायरेक्टली बोला जाएगा कि बताइए कि ये डिवाइस जो है ये इनपुट डिवाइस है या फिर ये एक आउटपुट डिवाइस है। मान लीजिए आपको एक कीबोर्ड दे दिया, उन्होंने एक ऑप्शन में दिया कीबोर्ड इज़ एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस, तो हमें पता है कि हम कीबोर्ड के ज़रिए कुछ चीज़ें टाइप करते हैं और वो कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं। इट मींस जो कीबोर्ड है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका एक इनपुट डिवाइस। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने बस ये देखना है आप उससे करते क्या हो, कंप्यूटर में कुछ इनपुट दे रहे हो, अगर कुछ इनपुट दे रहे हो तो वो इनपुट डिवाइस, और अगर से आप कंप्यूटर से बाहर आउटपुट ले रहे हो तो वो एक आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो प्रिंटर, प्रिंटर अगर मैंने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है तो मुझे पता है मैं प्रिंटर के जरिए कंप्यूटर से रिजल्ट्स जो है उन्हें बाहर निकाल सकता हूँ, अंदर नहीं दे सकता कुछ। इट मींस ये क्या हो गया, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे मैं मान लेते हैं स्पीकर से भी मैं कुछ सुन सकता हूँ, कंप्यूटर ने हमें कुछ सुनाया है, समझ रहा मेरी बात, स्पीकर से हम नहीं कुछ बोल सकते, हम सुन सकते हैं, तो स्पीकर भी क्या हो गया एक आउटपुट डिवाइस। माइक के जरिए हम कंप्यूटर में इनपुट करवा सकते हैं। जैसे आपको पता है आजकल स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ कुछ बोलेंगे और कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली वो टाइप हो जाएगा, जैसे हमारे मोबाइल्स में भी होता है। तो माइक से हम इनपुट करवा रहे हैं, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो ऐसे अलग अलग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ना है। मैंने बताया क्लियरली पूछा यही जाता है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, बट कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके इंटीरियर जो जितनी भी कीज लगी है उन पे भी सवाल आता है। तो आज हमने मेनली कीबोर्ड पढ़ना है। स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको समय दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम पहले ये देखते हैं कि इनपुट क्या हो गया। जब भी कोई भी डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, मान लो हमने 5+6 दे दिया, एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि 5+6 निकालो, डेटा दिए, तो ये इनपुट है। बट जिन डिवाइसेस के जरिए ये इनपुट करवाते हैं हम, उन डिवाइसेस को बोला जाएगा इनपुट डिवाइसेस। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी हम डाटा या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को वो इनपुट हो गया, और वो डिवाइसेस जो कि हमें अलो करती है इस इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने के लिए, कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए, उन्हें हम बोलेंगे इनपुट डिवाइसेस। चैप्टर का नाम है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। शुरुआत हम इनपुट डिवाइसेस से कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप की जो इनपुट डिवाइसेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो कीबोर्ड आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आती है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस का मीनिंग क्या हो गया, वो डिवाइसेस जिनके ऊपर हमें पॉइंट करना होता है तो वो इनपुट लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो टच स्क्रीन होती है, जिससे आप ATM पे भी जाते हो, आप अपनी फिंगर यूज करते हो, ठीक है, पॉइंट करते हो, तो वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है और वो इनपुट डिवाइस है क्योंकि वो इनपुट ले रहा है। उसके अलावा टेबलेट्स जो टैब्स होते हैं, देन उसके अलावा जो माउस है, माउस, अब आप सोचोगे सर माउस कैसे हुई पॉइंटिंग डिवाइस, उसमें तो हम कुछ नहीं करते, तो एरोज होते हैं, एरोज को पॉइंट किया जाता है ना, और हमारी फिंगर भी तो यूज होती है माउस में लेफ्ट राइट बटन दबाने के लिए। देन ट्रैक बॉल होता है, अब ट्रैक बॉल जो होता है, ये इस सब चीज़ें जो हैं ये आपने डिटेल में अलग अलग पढ़नी है, अभी नाम बता रहे हैं। जॉयस्टिक होती है, ठीक है,
देन टच स्क्रीन मैंने बताया, डिजिटाइजर ग्राफिक टेबलेट्स होते, ग्राफिक टेबलेट्स है, लाइट पेन है, लाइट पेन क्या हो गया, जैसे आपको पता है आजकल स्मार्ट बोर्ड्स आए हैं, उन पेन से हम बोर्ड पे लिख सकते हैं। आने वाले समय पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे बड़े बड़े चैनल्स जो है वो यूज करते हैं OM, ठीक है, ये लाइट पेन, यहाँ तक हो गई पॉइंटिंग डिवाइसेस। फिर और कौन सी इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर होते हैं। आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, आपने देखा उनके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस होता है और वो जो भी आपने सामान लिया हो उसको पॉइंट करके या उस पर जो भी कोड लिखा होता है उसे रीड करते हैं, ताकि उनको ये पता चल जाए आपने जो खरीदा है सामान उसके कोड के अकॉर्डिंग उसका प्राइस कितना है। तो वो बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, OMR शीट्स होती है, जैसे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है कोई और आपने उस पर मार्क किया, ठीक है, मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफलाइन एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। शीट्स नहीं होती, चार ऑप्शंस होते हैं, हम मार्क करते हैं। तो अब जब हज़ारों बच्चों ने, लाखों बच्चों ने वो एग्ज़ाम दिया, तो इतना समय नहीं है किसी के पास कि वो एक एक का चेक करे। फिर वो OMR शीट्स को चेक करने का भी मेथड होता है, समझ रहे, उन्हीं शीट्स को OMR शीट्स बोलते हैं, और बहुत इजी वे में फिर सब बच्चों की कॉपीज चेक हो जाती है। फिर MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये MICR, ये क्या हो गया, ये हमारे चेक्स पे, जो हमारे चेक होते हैं बैंक के, ठीक है, उन पे इस्तेमाल होता है ये। फिर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR होता है। स्मार्ट कार्ड रीडर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को जो रीड करता है वो स्मार्ट कार्ड रीडर्स हो गए। POS टर्मिनल डिवाइसेस, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, नहीं जो आज के टाइम पे बहुत फेमस है, जो शॉपकीपर्स ने रखी होती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस वो हो गई। बायोमेट्रिक सेंसर्स हो गए, जो अटेंडेंस के लिए काम आते हैं, बिकॉज पहले पहले टीचर्स भी बहुत देखा गया था गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट में ज़्यादा छुट्टियाँ मारते थे, तो अब वहाँ पर ये बायोमेट्रिक सेंसर्स लग गए हैं, ताकि पता चले कि वो ज़्यादा हॉलीडे छुट्टियाँ तो नहीं ले रहे हैं, ऑफ तो नहीं ले रहे हैं। देन स्कैनर होते हैं, माइक हो गई, माइक्रोफोन, वेब कैमरा हो गया, वेब कैमरा कौन सा, जो हमारे लैपटॉप पे लगा होता है आगे, उससे भी तो हम इनपुट ही दे रहे हैं ना, तो ये सब क्या आ गए हमारी इनपुट डिवाइसेस। देखो अगर ये समझ लिया हमने कि कौन कौन सी है, डायरेक्टली इनमें से किसी का नाम पूछेगा, बोलेगा इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, वो हम समझ सकते, बट इनके बारे में कुछ ना कुछ हमें डिटेल में भी पता होना चाहिए, तो आने वाली वीडियोज में आपको वो भी मिलेगा। अब बात आती है, व्हाट आर पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स क्या हो गए, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर के बाहर, उसकी बाउंड्री के बाहर से लगाते हैं, जैसे एक प्रिंटर हो गया, वो एक पेरिफेरल डिवाइस है, जैसे स्पीकर्स हो गए, ये कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बाहर जो डिवाइसेस लग रही हैं। द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर मशीन, ठीक है, वही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो एक्सटर्नली कंप्यूटर मशीन पे लगाई जा रही है, उन्हें हम बोलेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस। एग्जांपल समझ आ गई जो मैंने दिया आपको। बात आती है कीबोर्ड क्या है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस जो हमने नाम लिया था यहाँ पे, जो कि है कीबोर्ड, उससे शुरुआत करते हैं। देखो कीबोर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, बिकॉज अगर कीबोर्ड ही नहीं हुआ हमारे पास, तो हमारी फंक्शनिंग करना कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा जैसे मान लो हमारे पास कोई और माउस नहीं है, फिर भी काम चल जाएगा कीबोर्ड के जरिए, बट कीबोर्ड ही नहीं हुआ तो फिर काम कैसे चलेगा। तो फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास इनपुट डिवाइस, वो कौन सी आ गई, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड का स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से डिराइव किया गया है, आपको पता है टाइपराइटर। आप कभी ना कभी ज़रूर एफिडेविट बनवाने गए होंगे, यहाँ जम्मू में मुबारक मंडी में बनाए जाते हैं, जानीपुर में बनाए जाते हैं, तो आपने देखा होगा जो टाइपराइटिंग कर रहे होते हैं, जो टाइपराइटर्स वहाँ होते हैं पड़े हुए, उनका स्ट्रक्चर हमारे कीबोर्ड जैसा ही होता है। उनका स्ट्रक्चर कीबोर्ड जैसा नहीं होता, हमारे कीबोर्ड का स्ट्रक्चर उनके जैसा है, बिकॉज कीबोर्ड से पहले वो आए थे। तो कीबोर्ड का जो भी लेआउट है उसे बोरो किया गया एक्सटर्नल टाइपराइटर के जरिए उससे, बट इसमें एडिशनल कीज होती है। कीबोर्ड में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा कीज होती है जो टाइपराइटर में नहीं है। देखा होगा आपने टाइपराइटर में कीज जो है हल्का सा मेटल को यूज किया जाता है, तो वो ऊपर की ओर होता है, उसे प्रेस किया जाता है, गैप्स दिखते हैं। कीबोर्ड में हमें गैप्स नहीं दिखते, वहां गैप्स दिखते हैं।
स्टैंडर्ड कीबोर्ड अगर मैं बात करूं तो उसमें 101 101 कीज है 101। अब वो कीज कौन कौन सी, सारी ए बी सी डी 1 2 3 4 ही जितनी भी कीज है F1 F2 F3। जब भी आप एक कीबोर्ड पे किसी भी एक की को प्रेस करते हो तो भाई कीबोर्ड पे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक होता है कीबोर्ड कंट्रोलर, दूसरा होता है कीबोर्ड बफर। जब भी आपने किसी भी की को प्रेस किया, मान लो आपने बी को प्रेस किया, तो फिर कीबोर्ड कंट्रोलर क्या करेगा, उस जो जिसको आप प्रेस कर रहे हो उसका कोड स्टोर करेगा। किस में करेगा, कीबोर्ड के बफर में। कीबोर्ड कंट्रोलर स्टोर करेगा कोड कीबोर्ड के बफर में। ये सब कीबोर्ड के अंदर चीजें होती है, दिखती नहीं है, और फिर उस वजह से वो कोड आगे इस्तेमाल होगा हमारी स्क्रीन पे, वो लेटर्स सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कीबोर्ड में जब आप किसी की को प्रेस करते हो दो इंपॉर्टेंट वहां पे पोर्शंस हैं, कीबोर्ड कंट्रोलर कीबोर्ड बफर। कीबोर्ड कंट्रोलर जो है वो कंट्रोलर नाम है ना, तो वो उस कोड को कंट्रोल करके स्टोर करता है कीबोर्ड के बफर में। और याद रखिएगा बफर हमेशा स्टोर करने के लिए काम आते हैं, आगे भी देखेंगे हम। अब कुछ कुछ डिफरेंट लेआउट्स या टाइप्स हैं कीबोर्ड की, जैसे क्वेटी कीबोर्ड आपने देखा होगा। पहले पहले मोबाइल फोन्स नहीं आते थे, क्वेटी कीपैड होता था। क्वेटी कीपैड क्या मीनिंग हो गया, यही जो हम जो हमारे पास मेनली होता है यूज़ करने के लिए कंप्यूटर्स के साथ, वैसे ही कीबोर्ड हमें मोबाइल पे भी दिखता था, आते थे फोन्स, मैंने भी यूज़ किए, आपने भी किए होंगे, देखे तो ज़रूर होंगे। फिर एजर्टी भी होता है, देन डोर एक्ट भी होता है, ऑल्दो क्वेटी कीपैड जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि कीबोर्ड एक सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है। हमने ये सीखा कि जब हम किसी की को प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड का कंट्रोलर उस कोड को कीबोर्ड के बफर में स्टोर करता है। हमने टाइप्स ऑफ कीबोर्ड देखे, एजर्टी डोरैक, ठीक है, देन एक और था जो मेनली है क्वेटी कीपैड। अब बात आती है कि इसके लेआउट को कहाँ से लिया गया है, तो वो एक टाइपराइटर से लिया गया है, बट टाइपराइटर से ज़्यादा कीज है इसमें, कुछ एडिशनल फंक्शनल कीज भी हैं इसमें जो टाइपराइटर में नहीं होती है। अब कीज समझनी है हमने कीबोर्ड की, सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक का मीनिंग क्या हो गया, अल्फा मींस ये जो अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, न्यूमेरिक मींस ये जो लेटर्स होते हैं जीरो से लेके नाइन तक। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज में लेटर कीज भी होती है ए से जेड, एंड नंबर कीज भी होती है जीरो से नाइन। ये वही है जो मेजर पोर्शन कीबोर्ड का होता है, जो सामने स्पेस बार की जो होती है उससे ऊपर जितनी भी ये कीज हैं वो सब कौन सी है, अल्फा न्यूमेरिक कीज। मैं आपको पूरा कीबोर्ड का स्ट्रक्चर इस वीडियो के थंबनेल में भी बताऊंगा, आप वहां पर भी देख लीजिएगा, ऑल्दो आपके पास कीबोर्ड होगा वहां पे भी चेक कर सकते हो। देन फंक्शन या फंक्शनल कीज होती है F1 से F12 तक, इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होती है, प्रोग्रामेबल कीज बोला जाता है इनको। ये असाइन करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे मान लो आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार की PPT, अब उसका स्लाइड शो करवाना है, एक के बाद एक स्लाइड शो कराना है, मतलब अपने आप दिखे, जैसे हम अपने मोबाइल में भी स्लाइड शो करते हैं, तो फंक्शनल कीज का इस्तेमाल किया जाता है उनमें। क्लियर, ये तो अल्फा न्यूमेरिक की समझे आप, फंक्शनल की समझे आप। फिर आते हैं कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल कीज मतलब माउस के जरिए भी हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं और कुछ कीज के जरिए भी किया जाता है। तभी मैंने बोला माउस नहीं भी होगा तो भी हमारा काम हो सकता है, बट कीबोर्ड नहीं हुआ फिर हमारा काम इम्पॉसिबल है। ये इन्वर्टेड टी की फॉर्मेशन में होते हैं। क्या मीनिंग हुआ इन्वर्टेड टी का, उल्टा टी। देखो उल्टा टी है कि नहीं, ये अगर नीचे वाला एरो लेफ्ट राइट टॉप, कर्सर ये जो कंट्रोल कीज है ये कहाँ पड़ी होती है, ये अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक कीपैड के बीच में होती है। अभी तक न्यूमेरिक कीपैड क्या है वो हमने समझा नहीं है, वो भी हम बात करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, न्यूमेरिक कीज यहाँ पर आ गई जो हमने, अच्छा अभी इसके बारे में हमने बात की नहीं है, अभी हमने अल्फा न्यूमेरिक कीज समझी, फंक्शन कीज समझी और कर्सर कंट्रोल कीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलो इससे भी पहले मैं आपको न्यूमेरिक कीज के बारे में बताता हूँ। हमारे कीबोर्ड पे एक्सट्रीम राइट बॉटम में न्यूमेरिक कीज होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखो लोकेटेड एट राइट हैंड साइड, कंसिस्ट्स ऑफ डिजिट्स एंड कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। डिजिट्स जीरो से नाइन तक यहाँ पर भी होते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज और न्यूमेरिक कीज में भी होते हैं। अब जहाँ भी न्यूमेरिक की है, ठीक है, और जहाँ हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीपैड है, इन दोनों के बीच में होते हैं कर्सर कंट्रोल कीज। समझ रहे हो पॉइंट।
अब कर्सर कंट्रोल कीज ये चार तो हो गई, इन्हीं चार कीज से ऊपर अगर आप देखोगे चार और कीज भी होती हैं, वो कौन कौन सी, होम एंड पेज अप पेज डाउन, ये चार कीज वहां भी होती है। मैं रिपीट करता हूं, होम का मीनिंग क्या हो गया, आपको जो भी आपने खोला होगा होम पेज पे लेके जाएंगे, शुरुआती पेज पे। एंड का मीनिंग क्या हो गया, आपको एंड पे लेके जाया जाएगा अगर आप डायरेक्टली एंड को क्लिक करते हो। मान लो आपने कोई एक पेज खोला हुआ, एंड बटन क्लिक किया, डायरेक्टली लास्ट में लेके जाया जाएगा। पेज अप का मतलब पिछला पेज पे ले जाया जाएगा, एंड पेज डाउन मींस नेक्स्ट पेज पे लेके जाया जाएगा। तो कर्सर कंट्रोल कीज में सिर्फ ये इन्वर्टेड टी फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि ये होम एंड पेज अप और पेज डाउन कीज भी होती है। अब हमसे ये पूछा जाए कि बताओ कर्सर कंट्रोल कीज कितनी होती है, तो वी कैन से दैट देयर आर 8 कर्सर कंट्रोल कीज, लेफ्ट एरो, राइट एरो, टॉप एरो, बॉटम एरो, पेज अप, पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एंड। ठीक भाई, अब दो बहुत इंपॉर्टेंट कीज है, एक तो आ गई हमारे पास बैक स्पेस। जब भी हम कोई चीज टाइप करते हैं और हमें लगता है कहीं गलती हो गई है, हम बैक स्पेस करते हैं, उससे वो चीजें हट जाती है। तो टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड, बट इसी के साथ डिलीट की भी होती है। डिलीट की क्या करते हैं, वो एक तो जो आपने टाइप किया उसे तो इरेज करेगा, और कंप्यूटर की मेमोरी से भी उसे परमानेंटली, कंप्यूटर की मेमोरी से भी उसे डिलीट करेगा या इरेज करेगा। इरेज करने के लिए इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की मेमोरी से और जो करेक्टर्स आपको सामने दिख रहे हैं लिखे हुए उसे भी वो इरेज करेगा। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, ये सिर्फ करेक्टर्स को इरेज करेगा, ये करेक्टर्स को इरेज तो करेगा साथ कंप्यूटर की मेमोरी से भी इरेज करेगा, समझ रहे हो। देन बात आती है नम लॉक की। नम लॉक, नम का मीनिंग हो गया न्यूमेरिक। ये जो भी हमने न्यूमेरिक की समझी ना, ये जो न्यूमेरिक की पैड समझा, अगर ये नम लॉक की ऑफ स्टेट पे हुआ ये नहीं चलेगा। अगर आपने इन कीज को चलाना है तो नम लॉक की को आपको एनेबल करना पड़ेगा, ऑन स्टेट पे रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। इसे यूज किया जाता है एनेबल या डिसेबल करने के लिए न्यूमेरिक की पैड को। और यहाँ पे आज की जो लास्ट की हमने यहाँ लिखी है वो है स्पेस बार की। लॉन्गेस्ट की जो हमारे कीबोर्ड पे होती है, सबसे लंबी बॉटम में, वो स्पेस बार होती है। ये पूछा गया हुआ है व्हाट इज द, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड, देन हम बोलेंगे वो स्पेस बार है। इसे क्यों यूज किया जाता है, दो करेक्टर्स के बीच में गैप डालने के लिए। इट प्रोवाइड स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, या दो वर्ड्स के बीच में गैप डालना है आपने। अब ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड में सिर्फ इतनी ही कीज, अभी इंपॉर्टेंट कीज तो पड़ी है, बिकॉज अभी बोर्ड पे इतना ही फिट हो सकता है, तो मैंने ये पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वहाँ पे हम कैप्स लॉक की, शिफ्ट की और जो भी हमारी कीज है कीबोर्ड की वो पढ़ेंगे। उसी के साथ पॉइंटिंग डिवाइसेस सारी, मेरा प्रॉमिस है सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस के साथ साथ बार कोड और OMR ये भी कंप्लीट करेंगे, और फिर आने वाले 2-3 वीडियोज़ में हम आउटपुट डिवाइसेस लेके ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब मैंने बोल दिया है एवरी अल्टरनेट डे आपको कंप्यूटर की वीडियो जो है वो मिलेगी, बिकॉज मैंने खुद भी बहुत बार देखा जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं हर एक वीडियो के नीचे। मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, आपको भी समझना चाहिए कि एक साथ गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा वैकेंसीज को आउट कर दिया है कि हैक्टिक, बच्चे के लिए तो हैक्टिक हो ही है, बट हमारे लिए भी हो गया बहुत ज़्यादा कि डिफरेंट एग्जामिनेशन को हमने टारगेट करना है, तो इसलिए थोड़ा वक्त लगता है। आई होप आप समझ रहे होंगे, समझदार हो काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 40,000 सब्सक्राइबर्स भी आज हमारे हो गए हैं, जितना आप हमसे प्यार करते हैं उतना ही हम भी आपसे प्यार करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा। वी लव यू वेरी मच, थैंक यू।